अन्य शहरों के भांति कुरुक्षेत्र में भी फिल्म नानक शाह फकीर के विरोध में सिख समाज ने रोष मार्च निकाला, नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। रोष मार्च निकालते हुए कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में उपायुक्त को ज्ञापन दिया। इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कुरुक्षेत्र में सिखों के प्रथम गुरु श्री नानक साहिब जी पर बनी फिल्म दिखाने के विरोध में उतरे सिख संगठनों ने नारेबाजी की। कैसल मॉल के मालिक ने उन्हें फिल्म नहीं लगाने का भरोसा दिया। ये जो नानक शाह फकीर नाम की एक फिल्म को कल जो रिलीज होने जा रही है, उसका सिखों में विरोध जताते हुए आज मांग पत्र डीसी साहब को दिया है कि हमारी आवाज़ को राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक और गृह मंत्रालय तक पहुंचाएं, ताकि हरियाणा के अंदर कोई माहौल ख़राब ना हो। उसके पीछे कारण है कि इससे पहले कभी भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गुरु नानक देव जी के किरदार को, बेबे नानकी जी के किरदार को, या हमारे जो गुरु पीरों के सिख धर्म से जो संबंधित है उनको कोई आदमी बनके उसको उस रोल को प्ले कर सके। ये पहली बार हुआ है और हम सभी मिलकर नानक नाम लेवा संगत, जिसमें हिंदू परिवार भी है, सिख परिवार भी है, सभी ने मिलकर विरोध किया है। और हम चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र के अंदर मॉल के अंदर ये फिल्म बिल्कुल रिलीज ना हो, ताकि कुरुक्षेत्र का, हरियाणा का माहौल खराब ना हो। बिल्कुल एक ही बात है कि फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। ये जो विरोध है पूरे भारत के अंदर है, बाहरले देशों में भी है और हरियाणा में भी पूरे जोरों से चल रहा है, और कुरुक्षेत्र के अंदर भी आज ये विरोध सभी संस्थाओं ने मिलकर किया है, सभी नौजवान भाइयों ने, सभी ने मिलकर किया है। सारे तो पहला मैं फतेह बुलाऊंगी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हरियाणा सरकार नूं ये कहना चाहूंगी कि ये सिखां दे खिलाफ जो आरएसएस हरियाणा सरकार हर रोज नई नई जड़ियां साजिशां रच रही है, तो सरकार नूं इहदा बहुत ही महंगा हरजाना देना पऊगा। ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਏ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ